फाउंडेशन आपके सामने पेश करने जा रहा है नाटक मेरा 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 नाम शीतल देवदास राठौड़ है। मैं पहला काम करती थी। मैं पहले बाल मजदूरी करता था। मैं पहला झुमका बाकर में काम करता था। मैं पहले कान का बनाती थी। पहले मैं काम करता था टाचनी का, ताड़गोला बेचता था, कान का बाजी बनाती थी, गजरा बनाती थी, घर में काम करता था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे काम पर लगा दिए। एक दिन के 10 रुपए कमाता था। रोज का 10-15 रुपए मिलता था। मैं एक्टर बनना चाहता हूँ जी। He calls it the Theatre of Relevance. The Experimental Theatre Foundation, simply known as ETF, was a brainchild of Manjul Bhardwaj and his team. I want to meet all the kids, all their names. I'll introduce them. Sheetal, Pradeep, Abid, Rohit, Nitish. Very good. Ravindra. हीरो आप बात करना चाह रहे हैं? माय नेम इज प्रमोद। गुड टू मीट यू प्रमोद। बिना दीदी के लिए हम स्वागत करते हैं पिल्ललो। पिल्ललो यू कैन से पिल्ललो। पिल्ललो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दिस इज अ तेलुगु वर्ड एंड इट मींस चिल्ड्रन। द थिएटर ऑफ रेलेवेंस यूजेस ड्रामा टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल चेंज बाय यूजिंग स्ट्रीट प्लेस with socially relevant themes to bring about social awareness. काम भी रहेगा तो खाएगा क्या? वो वापस बेवड़ा बनने का क्या? मालिक मारते रहता है। मैं एक महीने के अंदर मर जाऊंगा। मेरे जैसे कितने भी बच्चे पैदा होते हैं सिर्फ मर जाने के लिए। The project in 94-95 started is titled School Jaa Abhiyan. That means using theatre media to change the society. The objective is very clear that the child will stop working and will be going to a normal school. आप मुझे पढ़ाओगे? आप मुझे पढ़ाओगे? कोई भी मुझे नहीं पढ़ाता। आप मुझे पढ़ाओगे? आप मुझे पढ़ाओगे? चल काम पे, चल काम पे। दीदी ने हमको वहाँ से काम छुड़ा के फिर स्कूल में डाला। ETF realized that when children are deprived of their basic right to education, the inevitable result is child labor. No, first we do perform in the area where there is a lot of child laborers. After the performance, we interact, and through that we create a system of connecting with them and understanding them and their needs. Then over the period, there is a change which happens in the children, that the confidence is growing, that they are being accepted, that somebody is there to hear and somebody is there to spend some time with them. नाटक से मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं आप जैसे कि आप बड़े बड़े हैं, मुझे बहुत डर लगता था बात करने में भी। मैं बाहर जाके उनसे आपसे भी बात कर सकती हूँ बड़े बड़े से। पहले मैं उनके पास जाती भी नहीं थी। दीदी ये सब जानकारी लेके आप क्या करेंगी? एक तो ये कोशिश करूँगी कि मैं जहाँ जहाँ ऐसे बच्चे हैं उनकी मदद करूँगी। और मैं तो तुम्हारे से बड़ा एक्टर बना था, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकती हूँ। शी वाज अमेजिंग। वो दीदी के गोदी में बैठी। मेरा नाम जो मैंने आज देखा ना, मेरी आंखें खुल गई। मुझे सच्ची नहीं लगा कि आप लोग इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते। The plan today is to perform Mera Bachpan at Ekta Nagar, a little area in the Bombay suburb of Kandivali that has a high incidence of child labourers working in small workshops that repair cars. अरे इसकी किस्मत तूने लिखी, तू इसका मुकद्दर है। कर थोड़ी सी और मेहनत, दे दे उसे थोड़ा सा सुकून, दे दे वापस उसको उसका बचपन।
अरे आप पूरा भूतों के लिए आज पतिया उठ, काम पे नहीं जाएगा क्या? क्या रात को झगड़े, सुबह सोने भी नहीं देती है। भाषण मत दे, घर में राशन नहीं है, चल जा काम पे। हाँ जाते हैं। उठ मार, चल। अब बैठ जा, किधर भी उठ जा। क्या रे बाप, कितना बज गया? हाँ? हाँ कितना बज गया रे? हाँ? और ऊपर से सेठ ने कहा सुअर का बच्चा। क्या रे, अपन इंसान नहीं है? जितनी मजदूरी छोटे छोटे बच्चे कारखानों में करते हैं, वो ये सब यही बच्चे हैं जिनको हमें स्कूल भेजना चाहिए, जिनको पढ़ना चाहिए, जिनको आपको और आपको और आपको उनका भविष्य बनाना चाहिए। The Constitution of India very clearly states that any form of child labor is unlawful. The question here is not whether the government is doing anything about it. The question is what are we doing about it? Despite the great work done by a large number of people and NGOs, we are a long way from solving this problem. There are still millions of children working at this age when they should be at school. And if you look deep into their eyes, there's a little child scared, asking to be helped. Don't turn your back on them.